चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रामानुजगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अश्विनी गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने फलदार और छायादार पौधे लगाए। दरअसल लगातार बढ़ रही वृक्षों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है, इसलिए पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर एक एक पेड़ लगाने की की थी। आज एकलव्य मॉडल स्कूल की टीम एवं भारतीय युवा मोर्चा के संयुक्त प्रयास से एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को अपने माँ के नाम पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और साथ ही उस पौधे की रक्षा के लिए सजग रखना है और उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए इस कार्यक्रम में उनको बताया गया। रोपण किया गया है, माँ के नाम पर एक पौधा लगाना है। चूंकि ये संतुलित को देखते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा और एक पौधा हर एक बच्चा यदि लगाता है तो आने वाले समय में हमारा जो प्रकृतिक है वो खुशहाल होगा, सुनहरा होगा और उसके चलते हम लोग क्या करेंगे, अपने भविष्य को बचाएंगे। पेड़ पौधा से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा जिससे हम आगे की परिवेश को करेंगे, बढ़ाएंगे, क्रियान्वयन को करते जाएंगे। माँ के नाम एक पौधा लगाना अति उत्तम। जितना स्पीड में पेड़ कट रहा है उसको रोकने के लिए अगर माँ के नाम पे लगाते हैं हर बच्चे, या हम लगाते हैं या हमारे भाई लगाते हैं, बंधु लगाते हैं, तो माँ के लगाए हुए पेड़ को जल्दी नहीं काटेंगे। ये उद्देश्य एक पेड़ माँ के नाम रखा गया है और ये माँ के नाम वाला पेड़ आज प्रकृति को संतुलित बनाएगा। वास्तव में रामानुजगंज एरिया का परिचय जितना स्पीड में बढ़ रहा है उसके रोकने के लिए माँ के नाम का पेड़ है।